आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव। उसके लिए मैंने सबसे पहले चावल को बॉईल कर लिया है। मैंने चावल को जब बॉईल किया है उसमें मैंने नमक और थोड़ा सा तेल डाल के पानी में, उबलते पानी में डाल के इस चावल को बॉईल कर लिया है। और जब भी आप बनाएं तो पहले से चावल को तैयार करके रखें। अब हम आपको दिखाएंगे मैं क्या क्या सब्जियां यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं हरे मटर जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं, उसके बाद मैंने पनीर के कुछ पीसेस, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मैंने फूल गोभी छोटे टुकड़ों में काट के रखे हैं, कैप्सिकम, और ये है कुछ पीसेस गाजर के काट के रखे हैं, थोड़े से काजू और किशमिश। अब बनाने के लिए हम चलते हैं। मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। अब हम एक एक करके सब चीज़ों को थोड़ा फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं काजू और किशमिश को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उस काजू किशमिश मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब मैं पनीर के पीसेस फ्राई कर लूँगी। सबको हल्का हल्का में फ्राई करना है। अब हम तेल में कैप्सिकम, कैप्सिकम फ्राई हो चुके हैं, अब इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब गाजर फ्राई कर लेंगे, इन सबको सौते कर लेंगे। और जब सब्जियां हम बॉईल फ्राई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक भी डालते जा रहे हैं। अब लास्ट सब्जी गोभी, इसे भी हम तल लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। गोभी को हम थोड़ा सा ढक के पकाएंगे ताकि ये जल्दी नरम हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियां फ्राई करके रेडी कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बचा हुआ तेल है उसी तेल में हम अब इसमें बटर डालेंगे। मैंने इसमें बटर डाल दिया है, उसी तेल में थोड़ा बटर डाल दिया है। अब हम मैं इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले, इलायची जिसका मैंने मुंह खोल लिया है, दो दालचीनी और लौंग, जैसे ही थोड़ा फ्राई करके अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मैंने इसमें एक दो तेज पत्ते भी डाल दिए हैं। अब हम इसमें एक एक करके धीरे धीरे करके राइस डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा एक दो चम्मच जैसे चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। मैंने चावल बॉईल करते समय नमक दिया था, अभी और थोड़ा सा दे देते हैं। अब इसे बड़े हल्के हाथों से हम हिलाएंगे। अब मैं इसमें सारी सब्जियां मिला दूंगी, जो मटर मैंने उबाल के रखे थे और जो सारी सब्जियां जो मैंने फ्राई करके रखी थी उसे मिला दूंगी। बहुत ही हल्के हाथ से हमें हिलाना है ताकि चावल टूट ना जाए। बहुत हल्के हाथ से मिलाएंगे इसे धीरे धीरे। अब मैं इसे एकदम सेम आंच में कुछ देर के लिए ढक के रख दूं ताकि चीनी गल जाए और सारा चावल के साथ सब्जियां मिक्स हो जाए। अब हम इसे चेक कर लेंगे, ये बन के पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे, कुछ देर स्टैंडिंग टाइम रख देंगे गैस बंद करके और इसे हम अब प्लेटिंग करेंगे। अब ये बन के तैयार है। मैंने इसे चेरी से डेकोरेट कर दिया है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।